अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एज यू मे नो मैं अभी इस्लामाबाद में हूँ और आई हैव अ स्पेशल गेस्ट विद मी और उनका नाम है हुबैब बेग फ्रॉम मिठे। दोस्तों आज हम लोग गजम्फर भाई बेकार फिल्म वालों को दिखाएंगे इस्लामाबाद। ये है ब्रिज और यहाँ से शुरू होता है इस्लामाबाद और हम इनको कराएंगे इस्लामाबाद की सैर। अच्छा तो हुबैब ये बताएं पहले आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? पहले मैं आपको लेकर जाता हूँ इस्लामाबाद के मोन्यूमेंट पे। वहाँ पे जाके आपको थोड़ा मोन्यूमेंट से इस्लामाबाद के दो तीन साइड के व्यूज बड़े जबरदस्त नजर आएंगे। आप थोड़ा हाइट पे होंगे तो आप इस्लामाबाद को देख सकते हैं। चलो लेट्स गो। दोस्तों बुनेर से आए हुए हैं हमारे बहुत सारे प्यारे दोस्त। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। एंजॉय कर रहे हैं? हाँ बहुत एंजॉय। कैसा लगा इस्लामाबाद? बहुत ज्यादा खूबसूरत। बहुत ज्यादा खूबसूरत है? बहुत ज्यादा खूबसूरत है। क्या बात है यार भाइयों। जयदीप भाई के मूवी फैंस वो ना पे कुछ आओ पता तो अभी हम लोग आए हुए हैं पाकिस्तान मॉन्यूमेंट। अच्छा थोड़ा बताएं ये मॉन्यूमेंट के बारे में। मॉन्यूमेंट की है कि इसमें सारी की सारी पाकिस्तान की हिस्ट्री बताई हुई है कि किस तरीके से पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया, क्या क्या स्ट्रगल हुई। ये पीछे इंग्रेव्ड हुई हुई है ये तस्वीरें पाकिस्तान की, कायदे आज़म की, इलामा इकबाल की। और आगे ये पाकिस्तान मॉन्यूमेंट का म्यूज़ियम है जिसके अंदर सारी हिस्ट्री बताई हुई है थ्रू स्कल्पचर्स के साथ कि यार ये किस तरीके से पाकिस्तान जो था ग्रेजुअली बना। अच्छा मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे, आप यहाँ पर आए बहुत सारे लोगों ने आपके साथ तस्वीरें खिंचवानी शुरू की, कैसा लगता है आपको जब लोग तस्वीर खिंचवाते हैं? यार अच्छा लगता है, मतलब अच्छा लगता है कि ये लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं, ये लोग इन्जॉय करते हैं मेरी वीडियोज़ देख के और मुझे खुद एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है और अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जयदीप भाई मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि हम लोग तीन तीन अटैम्प्ट लेंगे, देखते हैं तीन तीन अटैम्प्ट में से ज़्यादा गुब्बारे कौन फाड़ने में कामयाब होता है और जो लूज़र होगा उसको विनर को आइसक्रीम खिलानी होगी। डन हो गया? डन हो गया। वाह वाह एक और उड़ा दिया तो आइसक्रीम तो पक्की है। ओह यार आई मिस्ड। कोई नहीं, मुझे लगता है कि आप एक भी नहीं उड़ा सकेंगे क्योंकि मैं पिंडी बॉय हूँ। सर जेली ब्रो तीन के तीन उड़ाने होंगे, ऊपर की लाइन के दो पहले उड़ाने हैं आपने। उड़ा दिया? उड़ गया। ओह शिट। कैसा? ओह आइसक्रीम हार गए हैं भाई, सीधी सी बात है यार। ये जीती हुई आइसक्रीम खाने का जो मजा है ना बॉयज, ये आप लोग समझ नहीं पाओगे। निशाने लगाने पड़ेंगे अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ और जीतोगे तो फिर खा के इस क्लिप के साथ मुझे शेयर करना। अच्छा गाइस सो अभी आई एम एट लोक वर्सा इस्लामाबाद। एज यू कैन सी देयर इज दिस ब्यूटीफुल मिरर बिहाइंड मी एंड इफ यू आर फन ऑफ द आर्ट्स यू मस्ट विजिट दिस प्लेस। बहुत से लोग आते हैं इस्लामाबाद और ये जगह नहीं आते, उनको नहीं पता इस जगह के बारे में, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ लोक वर्सा जरूर आएगा। तो लेट्स गो चेक दिस प्लेस आउट। गाइस एज यू कैन सी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग्स की दुकानें हैं तो ये खूबसूरत आर्ट वर्क्स यहाँ पे हैं, खूबसूरत पेंटिंग्स हैं कि आप आए आगे देखें बाय करें। और यहाँ पे लाइव आर्टिस्ट बैठे हुए अभी पेंटिंग भी बना रहे हैं। ये रजबदार का एक व्यू है और वहाँ पर ये पुराने उनके बिल्डिंग वगैरह हैं, उसको मैंने कैप्चर किया है इसमें। और मैं इस पेंटिंग पे चार दिन से काम कर रहा हूँ और मज़ीद और चार पाँच दिन लगेंगे मुझे। हुमैर साहब ये पेंटिंग चार दिन पहले बनाना शुरू हुए थे और अभी इनके ख्याल से चार दिन मज़ीद लगेंगे इस पेंटिंग में। अच्छा गाइस तो लोक वर्सा इज़ अ रियली ब्यूटीफुल प्लेस, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान्स कल्चर द आर्ट्स सो दिस प्लेस इज़ अ मस्ट विजिट। आज कल के लड़के जनरल मैन
और अपनी सीट पे बैठे जैसे कभी कभी ससुराल के घर बैठते हो चाय पीने के लिए जेंटलमैन बन के बैठे लोग के साथ शादी वाला चाय लगा और ससुराल जा रहा है लड़का पैंट कोट में हाथ डाल के जेंटलमैन जैसे आजकल के लड़के जाते हैं बड़े रूप के साथ लड़के ने जाना बड़े मूड के साथ चले भी जेंटलमैन और बैक फ्लिप लगा दो भी लड़के जरा कैसे है एक और भी लड़के और मकी पागल हो गया दीवाना हो गया 3 किलो नस्वार खा के लड़का बोल मजनू बन गया जरा कैसे लड़के ने बोल पागल हो जाना बंदर ने मेरे ऊपर पूरी जम कर दी थी और मेरा एक किस्म का तड़ा निकल गया था लेकिन वो सीन वो कैप्चर नहीं कर सके बहरहाल मज़ा आता अगर आप देखते तो तमाम पागल हो जाते हैं तस्वीर के जाने के लिए जो है ना ये सारी मंजर कशी की गई है मोहंजोदड़ो की और ये जो पेंटिंग है इसकी ओरिजिनल पेंटिंग मोहंजोदड़ो के ओरिजिनल मकाम पे एक इटालियन पेंटर ने बनाई हुई है ये पहली सिविलाइजेशन थी जिसने पहिया चाकू और कपड़े इन्होंने बनाए थे सो ये लोग ऐसे ईंटों के घरों में रहते थे और इनकी बाकायदा कॉलेज होते थे पढ़ते थे स्कूल होते थे सो सिविलाइज तरीन लोग थे ये पहले जब हीर रांझा के साथ डेट मारने आती थी ना तो वो एक इस किस्म के दरख्त की शाख के नीचे बैठे आगे पीछे मेरे अंकल सगम खड़े हुए और ये हैं मासी मुसीब थे और इनके पीछे इनकी रोला और बाकी दीगर टीम है और ये लोग जो थे ये पीटीवी के मतलब स्टार्ट में बड़े आला प्रोग्राम शोज करते थे और बड़ा हालात हालिया पे इनकी नज़र होती थी और बड़े अच्छे जोक्स क्रैक करते थे उस दौर के आजकल ये कार्टूनिस्ट भी हैं नावल निगार भी हैं और अभी तक काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आपने गूगल करना है यूट्यूब करना है आपको इनका मिलेगा और मज़ा आ जाएगा आपका और सबसे मज़े की बात है कि रोले की नाक के बीच में ना ये लाइन नहीं थी बेचारे का ऐसा ही नाक था इसलिए मुझे नहीं पता क्योंकि आई डिडंट ग्रो अप इन पाकिस्तान में इसलिए मैं यूएस में बड़ा हुआ था तो पाकिस्तान में बड़ा नहीं हुआ तो इसलिए आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ दिस कार्टून्स मुझे नहीं पता इनके बारे में तो अच्छा उन्होंने मुझे बताया इनके बारे में मैं जाके सर्च करूंगा आप जेरी स्प्रिंगर देखते हुए तो नहीं बड़े हुए